tell you something just between you and me. When I hear your voice, I know I'm finally free. Hey दोस्तों, welcome to my channel तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह कुछ नए टॉपिक, कुछ नए ज्ञान, कुछ नई चीजें लेकर मैं आप लोगों के सामने आने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों का साथ मुझे हमेशा मिलता है। आज का टॉपिक है कुछ खास, लेकिन उस टॉपिक में जाने से पहले अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और अगर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, आज के समाज में अभी हम नारियों के प्रति जो सम्मान कुछ पुरुष दिखाते हैं तो कुछ पुरुष नहीं दिखाते हैं, जिस कारण से अभी का समाज कह लीजिए तो काफी पॉल्यूटेड होके रखा है और नारी का सम्मान करना ही बहुत ही उचित है, बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर आप एक स्वच्छ भारत को आप सबके सामने ला सकेंगे। सिर्फ स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ जगह, स्वच्छ रास्ता, स्वच्छ नदियां, स्वच्छ वातावरण होने से ही नहीं होता है, मन को पवित्र रखना भी बहुत जरूरी है। और नारी का सम्मान तो युगों से, सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन आज के समाज में ये कह लीजिए तो ये बहुत घट सी गई है। प्राचीन भारत के इतिहास पे अगर नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि महिलाओं का आदरपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है। शास्त्रों में इनके महत्व के बारे में भी बताया गया है। कहते हैं कि जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं और जहां इनका अनादर होता है वहां के सभी काम असफल हो जाते हैं, धन की देवी भी नाराज हो जाती है। शास्त्रों के बारे में अगर हम बात करें तो शास्त्रों में नारी के सम्मान को लेकर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, नारी ही समाज का आधार है। जैसे बिना भूमि कोई भी पेड़ पौधा नहीं हो सकता, वैसे ही बिना नारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। ये तो हम सभी को पता है, ये तो नेचुरल ट्रुथ है और हम सब जानने के बावजूद भी हम नारी का अपमान करते हैं। नारी जाति के संबंध में स्मृतिकारों के विचार बहुत ही उत्तम है। इनके विचार में नारियों का साक्षात देवी स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में स्त्री के संबंध में कई बातों का वर्णन भी किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में स्त्री का सम्मान वस्त्र आभूषण और मधुर वाणी से किया जाता है उस घर पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, किंतु जिस घर में इसका मान सम्मान नहीं होता तो उस कुल में सर्व कर्म या कह लीजिए सर्व कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और ये काफी सच्चाई है। आप देख लीजिए, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्री से ऊंचे स्वर में बात किए जाते हैं उस घर में शांति नाम की कोई चीज होती नहीं है। हर स्त्री को सजना संवरना श्रृंगार करना ये सब बहुत प्रिय होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के पुरुष अपनी पत्नी, माता या बहन को अच्छे वस्त्र देते हैं या प्रदान करते हैं उस घर पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्यों में भी सफलता मिलती है। शास्त्रों में स्त्री को घर की लक्ष्मी भी माना गया है। अगर महिलाएं गंदे या मैले कपड़े पहनकर रहती है या घर के पुरुष अपनी पत्नी या माँ बहन को समय समय पर अच्छे वस्त्र नहीं प्रदान करते तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। तो हर पुरुष को अपनी क्षमता के अनुसार घर की स्त्री को वस्त्र प्रदान करना चाहिए, है ना? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। गहने महिलाओं की सबसे प्रिय वस्तु होती है। उसमें से एक है कि जिस घर में महिलाएं खुश रहती हैं वहाँ देवताओं का भी निवास माना जाता है। हर मनुष्य को अपने घर की महिलाओं को सुंदर गहने उपहार में देने चाहिए। जिस घर की महिलाएं अच्छे कपड़े और गहनों से श्रृंगार करती है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं रहती। इसलिए होता है क्योंकि हम उस घर में स्त्री को, नारी को माँ लक्ष्मी का रूप मानकर हम उसकी पूजा करते हैं। और आप देखिएगा उस घर की सफलता, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी जैसा सक्सेस उनके जिंदगी में आने लगता है। शास्त्र में महिलाओं को पूजनीय माना गया है। कई ग्रंथों और पुराणों में महिलाओं का सम्मान करने की बात कही गई है। मनुस्मृति
कह लीजिए या फिर शास्त्रों के अनुसार कह लीजिए, जिस घर में महिलाओं से बुरी तरह से बात की जाती है या उनका सम्मान नहीं किया जाता, ऐसे घर में भगवान भी कभी नहीं रहते। स्त्रियों का सम्मान न करने वाले मनुष्य को हर समय किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने घर की स्त्रियों के साथ हर समय प्रेम और आदर के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। देखिए, एक बात है कि आज की नारी काफी आगे जा रही है। वो पुराने जमाने की नारियों की तरह अगर देखेंगे कि घर गृहस्थी रसोई चूल्हा चौका अभी की नारियां ये सब भी करती है, साथ में वो दो पैसे अर्न करने के लिए वो बाहर भी निकलती है, नौकरी भी करती है, जॉब भी करती है, वो सब कुछ करती है, क्योंकि वो अभी इस समय प्रेजेंट समय में वो जी रही है। 21वीं शताब्दी की नारियां अभी की है, लेकिन 21वीं शताब्दी की नारियां होने के बावजूद भी पुरुषों में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि उनकी मानसिक प्रवृत्ति, अगर आप किसी को सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल की तरह, एक लेडीज को एक मटेरियल की तरह अगर आप समझेंगे और उनका सम्मान आपसे कोसों दूर रहेगा, तो आप तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता नामुमकिन है। आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते, किसी नारी को अगर उपयुक्त सम्मान नहीं दे सकते हैं, और बाहर की नारी अगर आपके लिए सिर्फ एक तुच्छ वस्तु है और आपकी घर की नारी आपके लिए सिर्फ लक्ष्मी है, तो मैं सच में कहती हूँ आपके घर में दरिद्रता छोड़कर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप सिर्फ घर की नारियों को ही आप नारी समझते हैं। बाहर की अगर आपके रिलेशन में वो कोई नहीं है या आपकी उसके साथ जान पहचान नहीं है और आप उसको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं या फिर सेक्सुअल हैरेस करते हैं, तो आप एक तरफ से मान लीजिए कि आप पाप के भागी बन तो रहे हैं और जिंदगी में कभी आप आगे निकल भी नहीं सकेंगे। नारी छोड़कर कुछ जीवन में है, आप बताइए। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, ये सभी किसी न किसी के लिए अंजाम जरूर होगी, लेकिन उसके सम्मान में अगर सिर्फ आप ही उसको सम्मान दे और बाहर के लोग उसे असम्मान दे, तब तो आप काफी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर लिया, मेरी वाइफ के साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ये तो होना ही है, क्योंकि आप अपने विचार को बदलिए तभी ये समाज के विचार को बदलेंगे। हर पुरुष स्पेशली, अगर हर पुरुष हर नारी को समान सम्मान दे और उनसे काफी सलीके तरीके से बिहेव करे, तो आई थिंक जिंदगी में सक्सेस तो ऐसे ही उन्हें मिल जाती है। क्योंकि आप 1000 मंत्र जाप कर लीजिए, आप 1000 पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अगर किसी नारी का सम्मान आप नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि साक्षात माँ लक्ष्मी की आप अश्रद्धा कर रहे हैं। आप उनको सिर्फ और सिर्फ असम्मान ही कर रहे हैं, और जिस घर में नारी का सम्मान होता है, सम्मान करना आपको बहुत जरूरी है। आप अगर अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो ये समाज कभी भी नहीं सुधरेगा, और ये समाज को अगर सुधारना है तो सबसे पहली शुरुआत आपको अपने अंदर से करनी होगी, जो कि बहुत जरूरी है। कभी भी किसी लड़की को अकेले देखे, रास्ते में देखे, तो मदद के लिए आगे बढ़े, ना कि उसको इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़े। जिंदगी में ऐसे मौके पता नहीं ना कि कब आपके घर से शुरुआत हो जाए, कि कभी आपके घर के कोई लोग या घर की कोई महिला रास्ते में जा रही हो और वो उस समय मुसीबत में पड़ गई हो, लेकिन उसको हेल्प करने वाला कोई ना हो। कोशिश कीजिए, शुरुआत अपने से कीजिए, औरतों का सम्मान कीजिए, औरतों को वो स्थान दीजिए जो स्थान वो डिजर्व करती है। आज का विषय बस इतना ही, मेरी सोच मैंने आप लोगों तक लाई। मैं चाहती हूँ कि समाज अच्छा रहेगा तो ही हम सब अच्छे रहेंगे, और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि अपने समाज को हम आगे बढ़ाएं, ना कि पीछे की ओर लेके चले। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, टेक केयर।